हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, हम आज करंट अफेयर जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं, और द हिंदू। सबसे पहले हम अपना आर्टिकल जो है कि द हिंदू का देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है कि हेट स्पीच। हेट स्पीच वो होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा अनसोशल अनसोशियल अगर अनसोशियल अगर एक्टिविटी करता है और सोशल मीडिया पे जो है कि कोई पोस्ट करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई रिलीजियस हेट स्पीच हो सकता है, रेशियल हो सकता है, या कास्ट को लेकर हो सकता है, तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इनिशिएटिव लिया है और इसको जो है कि यहाँ पे एक स्टेप सो मोटे लिया है कि मतलब कि खुद से डिसीजन लिया है। और उसमें इसने ये करने की कोशिश किया है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी टेक द इमीडिएट एक्शन। नेक्स्ट हमारा कि हमने बात किया था कि जो पाकिस्तान है वो हो सकता है FATF से बाहर हो जाए, ग्रे लिस्ट से, वो जो है कि वही हुआ जो हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आया, क्योंकि FATF के हम ज़्यादा बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में एट प्रेजेंट टाइम में जो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ जैसी जगहों पे, वहाँ पे धार्मिक रिलीजियस प्लेस पे गए, तो उनका ये कहना है कि कम से कम अगर 100 रुपये अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो इस जर्नी में, तो उसका 5% मतलब 5 रुपये जो है कि आप वहाँ के लोकल जो गुड्स होते हैं ना, जो वहाँ के आइडेंटिटी होती है, उसको जो है कि आप कहीं ना कहीं बाई अगर करेंगे तो ये लोकल फॉर फोकल के लिए पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हमारा ये है कि इलीगल एक्सिंग ऑफ द ट्री नेशनल पार्क। देखिए कि जो नेशनल पार्क में इलीगल तरीके से लेकर के प्लांटिंग या फिर ट्री जो उनकी लोग कट करते हैं कॉमर्शियल यूज के लिए, उसको देखिए हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि जिम कार्बेट पार्क नेशनल पार्क है, इसमें जो कि मेंशन किया गया है, NGT ने ऐसी स्टेप लिया। नेक्स्ट हमारा देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर ये देख लीजिए। ये देखिएगा आपका जो ये इंडिया का ये पार्ट पड़ जाता है यहाँ पे, ये इस तरह से, तो ये जो इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट पड़ जाता है और जो कि पाकिस्तान का जो कि ईस्टर्न पार्ट पड़ जाता है, तो ये एरिया आपका डेजर्ट है। तो यहाँ पे इनफैक्ट कि आप गुजरात का भी एरिया ले सकते हो, तो वहाँ पे क्या कि ये जो एक इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर है, ये जो है कि माइग्रेट, ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडिया का ये पार्ट है ये माइग्रेट करके पाकिस्तान की एरिया में जा रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा भी तो मतलब क्लियर कट मतलब क्लियरिटी नहीं, एविडेंस नहीं क्यों हुआ है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो है कि क्राइटेरिया क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर का। सबसे पहले देखिए, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है इंडिया में और इंडेंजर्ड है जो है कि आपका पाकिस्तान में, राइट। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपका इंडिया में जो है पाकिस्तान में भी पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, ज़्यादा वार्म होते हैं। और ये भी चीज़ है कि इसके अब तक के सबसे हाईवीएस्ट वेट का ये होते हैं जो कि बर्ड्स हैं जो कि ये फ्लाई करते हैं। इनसे अब समझ लीजिए कि ये कम से कम 50 kg के आसपास के हो जाते हैं, और ये अगर इनको फ्लाई करना हो तो कम से कम 200 मीटर वो रन करते हैं, फिर उसके बाद जो कि फ्लाई करते हैं, राइट। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर के बारे में है, हम उसको 2-3 पॉइंट में कभी डिस्कस करेंगे डीप में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम वो देख लेते हैं कि क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए कि जो टसल चल रहा है पंजाब गवर्नमेंट और ऑफिस ऑफ राजभवन को लेकर के, वहाँ बीच में देखिए, ये हमने हमेशा कहा है कि अगर सेंटर में एक अलग पार्टी की गवर्नमेंट हो, स्टेट में अगर अलग हो, तो ये टसल देखने की, जैसे इससे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उसके बाद एट प्रेजेंट टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके बीच में बहुत टसल देखने को मिला। तो हम यहाँ पे देखिए होता क्या है ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यहाँ पे स्टेट में होती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वही इनको अपॉइंट करने का सजेशन देती है, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंट करते हैं, तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं बायस होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, बट ये ऐसा कहीं ना कहीं ब्लेम किया जाता है कि ये बायस होते हैं, तो इस चीज को लेकर कि यहाँ पे टसल है। नेक्स्ट हमारा एयर क्वालिटी वर्सेस दिल्ली और द NPCC रेड वैम्प एंटी पोल्यूशन मेजर्स। देखिए होता है क्या, जब विंटर सेशन आता है, जब दीपावली के आसपास आता है, तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की जो इंडिया का मैप बनेगा, तो यहाँ पे जब दिल्ली का लोकेशन बनता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस सर जब विंटर के समय विंड्स का डायरेक्शन इस तरफ से हो जाता है, तो यहाँ पे जो पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, तो यहाँ पे जो पैडी जो मतलब राइस की कल्टीवेशन होता है, तो वहाँ पे जो उसके वेस्ट होते हैं उसको लोग बर्न कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि हवा के झोंके से यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाते हैं। दूसरी ये चीज़ होती है, जब दीपावली होता है तो क्रैकर वगैरह लोग बहुत बजाते हैं, तो उससे भी जो कि यहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। आफ्टर यू अगर आप दीपावली के बाद देखें तो यहाँ पे बहुत वॉर्स एयर हो जाता है। उस चीज़ को लेकर CP
डब्ल्यू डी ने यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से मेजर जितने भी लिया गया है उसके बारे में क्लियरिफिकेशन मंगा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट साइड अपॉइंटमेंट द टीचर वरिष्ठी वाइस चांसलर ऑफ द केरला। देखिए कि वाइस एक चांसलर होते हैं और एक होते हैं वाइस चांसलर होते हैं। अगर हम चांसलर की बात करें तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो प्रेसिडेंट होते हैं, और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो गवर्नर होते हैं, ठीक है। और ये वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं, तो वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंटर में, और स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट केरला ने अपॉइंट किया है वाइस चांसलर को लेकर के, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आया। बस हमें ये पता होना चाहिए कि चांसलर वाइस चांसलर कौन होता है, जितने स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं सबके जो कि मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये है, ऑनलाइन फाइट चिल्ड्रेन नीड टू बी सेव। तो ये ऑनलाइन क्या है कि जैसे चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस जैसी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको लेकर के बहुत बड़ी एक रिपोर्ट है, इसमें एक कमेटी का है जो है, तो इसको जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया। दूसरी ये हमारा आर्टिकल से कॉफ़ी इंडस्ट्री। देखिए इस समय कॉफ़ी जो कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है काफ़ी सफ़र कर रही है, ठीक है, वो फाइनेंशियली भी कर रही है। दूसरी चीज़ है मार्केट इनस्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, और उसके बाद जो है कि आप ये कह सकते थे जो इंडिया की कॉफ़ी है होती है उसका वर्ल्ड लेवल पे आइडेंटिटी जो भी उस तरह से नहीं है। तो ये कॉफ़ी के बारे में हम कभी टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे, कॉफ़ी को लेकर के कौन सी वैरायटी कितनी वैरायटी होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल क्लाइमेट कौन सी होती है। और यहाँ पे ये देख लीजिए कि चिका मागालुरु ये जो है कि केरला में एक जो कि प्लेस पड़ता है, वहाँ की ये रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वहाँ के लोकल्स के हिसाब से जो कि वहाँ पे किया गया। दूसरी ये चीज़ है टेररिज्म इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर के जो हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री हैं उन्होंने इस तरह के किए। दो आर्टिकल हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है। देखिए तेजस टू बी इंटीग्रेटेड ब्रह्मोस मिसाइल, हमने बात किया था ब्रह्मोस के बारे में टू द पॉइंट में, वहाँ पे अब जाके अभी है ना कि तेजस जो मिसाइल है इसको जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको तेजस जो फाइटर जेट है उसके साथ कनेक्ट करने की बात हो रही कि हम उसको भी करके जो कि तेजस से भी अगर लॉन्च करना हो तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मिसाइल अग्नि जो कि फिर से टेस्ट किया गया है उड़ीसा के कोस्टल पे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देख लेते हैं हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक आर्टिकल हमारे लिए वही है जो हमने पेडी के सिक्किम डजन नॉट अकाउंट द प्रोडक्शन कॉस्ट असेज एंटरप्रेन्योरियर की बात करे कर रहा है। नेक्स्ट हम आर्टिकल आते हैं, देखिए हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ दिन तक हम प्रॉपर तरीके से अभी अपना डिस्कशन नहीं कर पा रहे, फिर भी गैप ना हो कोई इन्फॉर्मेशन जो कि हम ब्रेक ना करें, इसलिए मैं ओवरऑल बस एक हेडिंग लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक नवंबर से सारी चीज़ें हमें प्रॉपर करने लगूंगा। सो बस मैं इस वीडियो में द हिंदू में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।